नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि आप इंस्टेंट पैन कार्ड कैसे बनाएंगे, तत्काल पैन कार्ड कैसे बनाएंगे, 10 मिनट में पैन कार्ड को कैसे बनाएंगे बिल्कुल फ्री में, बिना एक रुपया खर्च किए हम आपको पैन कार्ड बना के दिखाऊँगा लाइव प्रूफ, वो भी मोबाइल फ़ोन से। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हम आपको लेकर जाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर और दिखाएंगे कि कैसे 10 मिनट में पैन कार्ड को बनाएंगे, उसको डाउनलोड कैसे करेंगे बिल्कुल फ्री में। आपको सिर्फ आधार नंबर आपके पास होना चाहिए और आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल आपके पास में होना चाहिए वो नंबर, तो आप आसानी से पैन कार्ड को बना सकते हो 10 मिनट के अंदर में और आपसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ लाइव प्रूफ 2023 में ये न्यू तरीके से। तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन में चले जाना है और यहाँ पे आपको सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको क्या करना है कि सर्च बार में आपको यहाँ पर टाइप करना है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स लिख करके इसमें टाइप करके सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनकम टैक्स का वेबसाइट आएगा, तो फर्स्ट वाले वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको इसी वेबसाइट ओपन हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट के नीचे आपको स्क्रॉल करना है। क्विक लिंक में आपको मिल जाएगा यहाँ पे इंस्टेंट ई पेन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंस्टेंट ई पेन। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं बट लेकिन आपको यहाँ पे क्लिक करना है इंस्टेंट ई पेन पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। इंस्टेंट मीन्स तत्काल होता है, तो हम वहाँ पे क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ पे लोडिंग ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन आ गया है पैन कार्ड बनाने के लिए, तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है गेट न्यू ई पैन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और नीचे में आपको लिखा हुआ है डाउनलोड पैन, तो आप ये पहले बनाएंगे फिर डाउनलोड करेंगे यहीं से भी। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे गेट न्यू ई पैन पे, क्लिक करके हम आगे की तरफ प्रोसेस में जाएंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं गेट न्यू ई पैन पे क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है, जिसका भी बनाना है उसका आधार नंबर को डालेंगे। कंटिन्यू पे यहाँ पर टिक लगाएंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब टिक लगाने के बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप कुछ पढ़ना है तो पढ़िए, स्क्रॉल डाउन करिए और यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पर टिक लगाना है आई हैव रीड इन, पर टिक लगाएंगे और यहाँ पर जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो जो आपके आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पे ओटीपी जाएगा। आप उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे और फिर से आपको यहाँ पर टिक लगाना है आई एग्री टू वैलिडेट पे टिक लगाएंगे और फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैं ओटीपी को डाल दिया हूँ, यहाँ पे टिक लगा देते हैं। टिक लगाने के बाद में इस साइड में आपको यहाँ पर मिल जाएगा कंटिन्यू का ऑप्शन, तो यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ सेकेंड रुकेंगे फिर से, तो ये प्रोसेस आ गया यहाँ पे KYC के लिए। तो यहाँ पे आपका आधार कार्ड से डिटेल्स ले लिया गया है, आपका फोटो एड्रेस पूरा यहाँ पे ले लिया गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे ईमेल आईडी को लिंक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी को डालेंगे और ईमेल आईडी को डालने के बाद में सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मेल पे ओटीपी जाएगा। आप उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। तो मैं जाता हूँ मेल में और ओटीपी भी यहाँ पर डाल लेता हूँ, डालने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ आएगा प्रोसेस। तो यहाँ पे हम ओटीपी को डाल दिए हैं। ओटीपी डालने के बाद में क्या करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से ओटीपी डालेंगे और सबमिट पर क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद मेरा ईमेल आईडी भी ऐड हो गया। अब यहाँ पे फिर से टिक लगाएंगे, आई एक्सेप्ट पर टिक लगा दिए। टिक लगाने के बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, मेरा पैन कार्ड बन गया। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिख करके आ चुका है कि योर रिक्वेस्ट फॉर ई पैन हैज बीन सबमिट सक्सेसफुली। यहाँ पे आपको एक नॉलेज नंबर आपको मिल गया है, जो इस नंबर से आप स्टेटस को चेक कर सकते हैं या डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम गो बैक टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे, मतलब कि हम वापस आ जाएंगे। अभी से 5 मिनट वेट करेंगे, वेट करने के बाद पैन कार्ड को डाउनलोड करेंगे फिर से, ठीक है फ्रेंड्स। तो 5 मिनट हम रुक जाते हैं और उसके बाद मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ, आप वीडियो बने रहिएगा। हम यहाँ से क्या करेंगे, बैक जाएंगे फिर से इसी पेज पर, इसी वेबसाइट पर आएंगे और डाउनलोड करेंगे, ठीक है। 2 मिनट लगा अप्लाई करने में और 5 मिनट और रुक जाएंगे तो हो जाएगा 7 मिनट, मानिए कि 10 मिनट के अंदर पैन कार्ड मेरा डाउनलोड भी हो जाएगा बन करके। आपको 1 रुपया भी नहीं लगा, मेरा पैन कार्ड यहाँ पे बन गया है। मैं आपको जाता हूँ फिर से अब डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो पैन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे फिर से इस वेबसाइट पे आना होगा, इनकम टैक्स के वेबसाइट पे फिर से आएंगे और यहाँ पे आपको फिर से क्लिक करना पड़ेगा इंस्टेंट ई पैन पे। आपको फिर से क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम फिर से क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम फिर से प्रोसेस पे जाएंगे। तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में वही प्रोसेस आपको आएगा, यहाँ पे पैन कार्ड बनाने के और डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। मैंने शुरू में बताया था वही ऑप्शन यहाँ पे फिर से आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे ओपन होने देते हैं। यहाँ पे ओपन हो चुका है ये पेज। हम क्या करेंगे, स्क्रॉल डाउन फिर से करते हैं और आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है चेक स्टेटस / डाउनलोड पैन, ठीक है। उसके नीचे में यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन है, तो आप इस कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इस कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर आधार नंबर डालना पड़ेगा। आधार नंबर डालने के बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर मैंने आधार नंबर को डाल दिया हूँ, कंटिन्यू पर भी क्लिक कर दिया हूँ। तो
तो आपके नंबर पर OTP गया होगा, आप उस OTP को यहाँ पर डालेंगे। OTP डालने के बाद में कंटिन्यू पर फिर से क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ पर मैं OTP को डाल दिया हूँ। डालने के बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कर दिए। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपका पैन कार्ड डाउनलोड करने का यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू ई पैन और नीचे में लिखा हुआ है डाउनलोड ई पैन। तो हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, डाउनलोड ई पैन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हम कोई PDF वाले ऐप में हम इसे ओपन करेंगे। तो यहाँ पर हम चूज करते हैं, ये बड़ा मैंने PDF ऐप उसमें मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। इसका पासवर्ड होता है आपका डेट ऑफ बर्थ, जन्मतिथि इसका होता है पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं जन्मतिथि को डाल दिया हूँ। डालने के बाद में ओपन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मेरा पैन कार्ड यहाँ पे ओपन हो चुका है। आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पर मेरा पैन कार्ड आ चुका है। आप इस पैन कार्ड को कटिंग करके किसी दुकान पर जाइए और कटिंग करके आप इसको प्रिंट करवा लीजिएगा और इसे लेमिनेशन करवा कर अपने पास में रखिएगा। अगर इस पैन कार्ड में आपको सिग्नेचर नहीं आएगा, ठीक है, तो अगर आपको इसमें सिग्नेचर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इस पैन कार्ड को करेक्शन करवाना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप फिलहाल कोई भी काम कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इसमें सिग्नेचर चाहिए या इसमें अंगूठे का निशान चाहिए तो आपको इसे करेक्शन करवाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि वो भी देख करके अपने मोबाइल से पैन कार्ड को बना सकते हैं, जिनको नहीं है वो बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।